देश की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाला संस्थान सवालों के घेरे में है। छात्र सड़कों पर है, 6 दिन से प्रदर्शन जारी है। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर इस आंदोलन की वजह क्या है। सीबीआई से करवाना होगा। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से फरवरी में आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टीयर 2 में 189,843 छात्र शामिल हुए थे। 22 फरवरी को ग्रेजुएट लेवल टीयर 2 की परीक्षा हुई थी। इसके पहले पार्ट में 17 फरवरी को भी दिल्ली के एक सेंटर पर एग्जाम कराया गया। इसी में पेपर लीक का आरोप लगाया जा रहा है। ये परीक्षा ऑनलाइन हुई थी। छात्रों का आरोप है कि ऑनलाइन परीक्षा देने के बाद जब छात्र बाहर आए तो पता चला कि इनका पर्चा तो सोशल मीडिया पर पहले से मौजूद है, फैली और छात्र सड़कों पर उतरने शुरू हो गए। इस बीच कुछ छात्रों ने पेपर को लेकर रैकेट चलाने का भी आरोप लगाया। एसएससी की भर्ती परीक्षाओं में बड़े स्तर पर धांधली का रैकेट चल रहा है। ऐसे आरोप हैं कि नौकरी दिलाने के नाम पर रेट तय हो गए हैं, जैसे एग्जामिनर के लिए 40 लाख, इनकम टैक्स के लिए 35 लाख, सब इंस्पेक्टर के लिए 25 लाख और क्लर्क के लिए 8 लाख रुपए तक मांगे जाते हैं। परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप पर एसएससी की ओर से बयान जारी किया गया है, जिसमें आरोप लगा रहे छात्रों को कोचिंग स्टूडेंट का झगड़ा बताकर पल्ला झाड़ लिया गया है। एसएससी बहुत सारी परीक्षाएं करवाती है, जिन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला सीजीएल, दूसरा सीएचएसएल और तीसरा एमटीएस। इन तीनों परीक्षाओं के लिए योग्यता अलग अलग तय होती है। इससे पहले ऑनलाइन परीक्षा के कई बार कैंसिल होने का मामला सामने आया, जिसे लेकर तैयारी कर रहे छात्रों में काफी गुस्सा था। छात्रों का आरोप है कि पेपर आउट हो रहे थे, इसलिए ये परीक्षा रद्द की गई, जिसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्र डटे हुए हैं।